हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का क्लास है हमारा सीटेट ईवीएस का, ठीक है, जो आपका टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। और आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट का 20 अगस्त को, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए है ये क्लास। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आज इस क्लास में हम देखेंगे जो सब्जियाँ हैं वो कौन सी सब्जियाँ किस देश से आई हैं, ये क्वेश्चन पूछता है आपके सीटेट में। तो और ये लिया गया पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, कहाँ पाया जाता है, और चींटियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है चींटियों से। फिर ये मच्छर जो होते हैं मॉस्किटोज, उनसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक हैं आपके जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है रेशम का कीड़ा है, फिर डॉग कुत्ते के बारे में पूछता है, ये तोरांग क्या होता है, डॉल्फिन जो फिश होती है उसके बारे में पूछा जाता है, और वेलग्रो क्या है, ठीक है, वेलक्रो, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और सारे क्वेश्चन आपके सीटेट में सीटेट के टॉपिक से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। झूम की खेती क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, और केचुआ है लास्ट में। तो आइए आज का क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। क्लास रहा ये आज का आपका क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है सब्जियां, यहाँ सब्जियां दिया गया है, और यहाँ दिया गया है ये कहाँ से आए हैं, किस देश से आए हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। तो जो आपकी मिर्ची है ये कहाँ से आई है, आपकी दक्षिण अफ्रीका से आई है, सॉरी दक्षिण अमेरिका से आई है, ये पुर्तगाली जो थे वो ले आए थे, ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण अमेरिका से आपकी मिर्ची आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका भिंडी, भिंडी कहाँ से आया है आपका, तो भिंडी अफ्रीका से आया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है एक सब्जी के बारे में, उससे पूछा जाता है कौन कहाँ से आया, तो ध्यान से सुनिए। और नेक्स्ट है आपका गोभी और टमाटर, ठीक है, तो गोभी और टमाटर कहाँ से आए हैं आपके, यूरोप से आए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका चाय, तो चाय तो सबको पता है असम से, ठीक है, चाय कहाँ से, असम से, इंडिया से ही है, हमारे यहाँ से ही है। नेक्स्ट है आपका सोयाबीन, तो सोयाबीन कहाँ से आया है, चीन से आया है, ठीक है, सोयाबीन के बारे में पूछा है। और मिर्ची के बारे में पूछा है आपके, और बाकी ये सब आपके जैसे कि बैगन हो गया, मूली हो गया, सेम हो गया, करेला हो गया, ये आपके इंडिया के ही हैं। और नेक्स्ट है आपका, ये नेक्स्ट में क्या क्या है आपका, आम है, संतरा है, बेर है, और केला है, ये भी सब भारतीय हैं, इंडिया के हैं, और देसी हैं सभी ये। और नेक्स्ट आपका है, सॉरी गाइस, ये नेक्स्ट है आपका पालक, परवल, टिंडा और मेथी, ये भी आपके इंडिया के हैं। तो ये थे आपके सब्जियों के नाम, और कौन से सब्जी किस देश से आए वो थे आपके, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ध्यान से पढ़िए। और यहाँ का दूसरा टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक आपका है पश्मीना शॉल, ठीक है। तो ये पश्मीना शॉल होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है ये, कहा जाता है, माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, ठीक है। ये इतना मतलब गर्म शॉल होता है कि 6 स्वेटरों की गर्मियों के बराबर ये क्या देता है, गर्मी देता है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि 6 स्वेटरों के बराबर देता है तो बहुत ज़्यादा मोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, हल्का ही होता है, लेकिन गर्म बहुत करता है, ठीक है, गर्म ज़्यादा करता है। नेक्स्ट ये है, यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, मतलब जो पश्मीना शॉल होता है वो बकरियों के मतलब बाल से बनता है, जो वो खास बकरियाँ होती हैं, नॉर्मल बकरियाँ नहीं होती हैं, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है, मतलब पहाड़ों पर ये बकरियाँ रहती हैं, ठीक है। यहाँ सर्दियों में न्यूनतम ताप आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब ये जहाँ रहती हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर रहता है, वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और ये आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, जहाँ आपका पश्मीना शॉल या आपकी जो पश्मीना शॉल से जिस बकरी से बनता है वो बकरियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं, मतलब
जो पश्मीना शॉल होता है उनको हम हाथों से ही बुनते हैं, लोग बुनते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। कहने का मतलब कि एक शॉल को बनाने में आपका 250 घंटा लगता है, ठीक है, तब ये बनता है। और पश्मीना शॉल का उत्पाद कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, 3-4 टॉपिक मतलब आपको ऑप्शन दे देगा और कहेगा कौन सा गलत है पश्मीना शॉल के बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको रिमेम्बर रहेगा तो हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका चींटियाँ, ठीक है, चींटियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। चींटियाँ के बारे में ये पूछता है कि जो चींटियाँ होती हैं वो ग्रुप में चलती हैं, समूह में चलती हैं, समूह में चलती हैं आपकी। तो ये पूछता है कैसे वो समूह में चलती हैं, कैसे वो एक दूसरे को फॉलो कर लेती हैं, ये मेन क्वेश्चन रहता है। तो इसका रीज़न जानते हैं। कहता है क्या चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता है, ठीक है। आप देखे होंगे अगर कोई चींटियाँ लाइन से जाती हैं तो वो लाइन बाई लाइन ही जाती हैं, ठीक है, अपने लाइन को नहीं तोड़ती हैं। तो ये ऐसा मतलब कैसे कर लेती हैं, क्या वो उनको दिखता है या कुछ तो होगा? तो क्या करती है, एक लिक्विड छोड़ती हैं, ठीक है, लिक्विड आपको छोड़ती जाती हैं रास्ते में और उसी को फॉलो करती हुई जो पीछे की चींटियाँ होती हैं आगे की तरफ बढ़ती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नया है, कह रहा मच्छर के बारे में। तो मच्छर के बारे में मेन ये पूछता है कि जो मच्छर होते हैं वो कैसे मतलब कि अंधेरे में तुमको दिखता है कि नहीं दिखता है, कैसे मतलब अंधेरे में लाइट उट भी नहीं जलती है तब भी हमको कैसे काट लेते हैं वो, मतलब कैसे पहचान जाते हैं मनुष्य को, ठीक है, कि मनुष्य वो देखोगे बाकी सब चीज़ों को मतलब वो नहीं बैठेंगे लेकिन मनुष्य वहाँ है तो मनुष्य को काटते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा वो कैसे कर लेते हैं, तो जानते हैं इनके बारे में ये कैसे कर लेते हैं। तो मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। मतलब जो मच्छर होते हैं उनकी क्वालिटी उनके अंदर ये होती है कि जो हमारे पैरों की गर्मी मतलब पैर के जो तलवे होते हैं और शरीर के जो गर्मी होती है उसको वो क्या कहते हैं, भाप लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं और फिर क्या करते हैं मनुष्य को ढूंढ लेते हैं। तो ये थे आपका मच्छर। अब नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा। तो रेशम के कीड़ा के बारे में भी एक खासियत होता है, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। मतलब जो नर होता है आपका रेशम का कीड़ा वो अपनी मादा को आपके कई किलोमीटर दूर से ही उसके गंध से पहचान लेता है, ठीक है। ये रेशम के कीड़े में खासियत होती है। दूसरा है कुत्ते के बारे में, ठीक है, ये पूछता है कुत्ते के बारे में कि कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि जो कुत्ता होता है अपना एरिया कैसे डिसाइड करता है। मतलब कि देखते हैं कि कुछ कुत्तों का एरिया मतलब कि वो डिसाइड होता है उसी एरिया में वो रहते हैं, ठीक है, और दूसरे एरिया से कोई अगर कुत्ता आता है तो उसको भगा देते हैं या भौंकने लगते हैं, बार्क करते हैं आपको, तो वो कैसे पहचानते हैं? तो आइए जानते हैं पहला क्या है, अब क्या कह रहा है कैसे पहचानते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कुत्ता आया है। मतलब उन लोग का जो स्मेलिंग पावर होती है बहुत स्ट्रांग होता है कुत्तों का। तो अगर कोई कुत्ता दूसरे एरिया से आया हुआ है तो जहाँ आया हुआ है वहाँ के कुत्ते उसको पहचान लेते हैं क्योंकि उसके मल मूत्र से उन लोग जान जाते हैं कि कहीं और से ये कुत्ता आया है। तो ये कुत्ते की खासियत थी। पूछता है क्वेश्चन में तुरांग क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है। तो कुड़ुक भाषा में हम तुरांग का मतलब जंगल होता है। कई बार क्वेश्चन आया है आपका कि तुरांग का मतलब क्या होता है, तो तुरांग का मतलब जंगल होता है, कुड़ुक भाषा होती है आपकी, ये जंगली भाषा है आपका, जंगली लैंग्वेज है, ये जंगल की भाषा है, इसका मतलब आपका होता है मतलब तुरांग का मतलब होता है जंगल। नेक्स्ट है डॉल्फिन, जो मछली है डॉल्फिन, इसकी भी कुछ खासियत होती है, आइए जानते हैं इसकी क्या खासियत है। पहला ये है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं तथा एक दूसरे से बात करती हैं। जो डॉल्फिन होती हैं अपनी लैंग्वेज में अपने कोड में एक दूसरे से क्या करती हैं, बात करती हैं, ठीक है, और अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे से बिजली तरंगों से देती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, सीटेट में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि जो मछलियाँ होती हैं खतरे की चेतावनी किसके माध्यम से देती हैं, तो वो आपको बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नया टॉपिक ये है आपका, क्या कह रहा है वेलक्रो, वेलक्रो क्या है, वेलक्रो, ठीक
ठीक है। तो वेलक्रो क्या, वेलक्रो क्या है आइए जानते हैं। आपका वेलक्रो क्या है? वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खोलने पर चर चर की आवाज आती है। जैसे कि आप लोग बैग्स वगैरह में नहीं देखते वो चिपकाया जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है और सैंडल वगैरह में यूज होता है, उसी को वेलक्रो कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में आप देख लीजिए, यहाँ बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो भी हम लोग उसको मतलब स्पेशली बैग में और सैंडल वगैरह में यूज होता है और उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये पूछता है इसका विचार कहाँ से आया था, मतलब वेलक्रो का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, वेलक्रो से भी पूछता है, पूछ लेगा डायरेक्ट वेलक्रो क्या है, और या वेलक्रो का जो आपका विचार है किस कंट्री से आया था, तो आपका स्विट्जरलैंड से आया था। ये था आपका वेलक्रो। नेक्स्ट चलते हैं, नया टॉपिक है आपका चांगपा, ठीक है। चांगपा क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो चांगपा घुमतू लोग होते हैं। तो घुमतू लोग मतलब क्या होते हैं, जो माइग्रेशन करते हैं, मतलब एक स्थान पर नहीं रहते हैं, एक स्थान से आपके दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम चांगपा कहते हैं, ठीक है। और चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, वो बकरियां जो पश्मीना साल बनती है वही बकरियां ये पालते हैं। तो डायरेक्ट दे देता है क्वेश्चन में सीटेट के कि चांगपा लोग क्या कौन होते हैं, तो वही लोग हैं वो जो घूमते रहते हैं, माइग्रेशन करते हैं और ये पहाड़ों पे मेनली रहते हैं, जम्मू कश्मीर के साइड चले जाइए, श्रीनगर वगैरह में ये रहते हैं और वहाँ भी पहाड़ी एरिया में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये खास तरह की बकरियाँ पालते हैं, आइए जानते हैं। जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनाई जाती है, ठीक है। तो पश्मीना ऊन से, उसी ऊन से पश्मीना साल बनता है, तो वही ये लोग होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, घूमतू लोग होते हैं चांगपा, ठीक है। इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है झूम की खेती से क्या समझते हैं। चार ऑप्शन दे देगा और कहेगा कौन सा गलत है इसके बारे में, झूम की खेती के बारे में। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसमें से तो सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा गलत है आपका ऑप्शन। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है झूम की खेती, झूम की खेती क्या है। झूम खेती का तरीका निराला होता है, मतलब ये एक क्या होता है, खेती करने का तरीका है और बहुत यूनिक होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। इससे एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उस दौरान खेती नहीं की जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक बार फसल कर लिए हैं तो उसको थोड़ा रेस्ट दीजिए, 2-3 साल तक छोड़ दीजिए, उस पर कोई फसल मत करिए। उसके बाद क्या करिए, कुछ समय बाद जब यहाँ बांस या जंगल आ जाता है, उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। जो 2 साल का आपने गैप दिया है, उसके बाद अपने ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ वहाँ जम जाएगा। तो जैसे बैम्बू वगैरह हो गया या आपके कुछ घास वगैरह बड़े बड़े हो जाते हैं तो जम जाते हैं, तो उनको काट के, मतलब काटा नहीं जाता, जला दिया जाता है और खेत में ही उसका जो भी राख वगैरह है छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यह राख जमीन से खाद का काम करता है, मतलब क्या करते हैं, जो भी जलाते हैं तो राख जो बन जाता है वो फर्टाइल की तरह काम करता है ना, फर्टिलिटी की तरह काम करता है। नेक्स्ट ये है, जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो खेत होता है उसकी जुताई जुताई नहीं की जाती है, हाथों से ही क्या करते हैं, जो राख होता है, मिट्टी होता है, मिक्स करके उसमें जो भी आपको छिड़कना होता है, बीज वगैरह जिसकी भी खेती करनी होती है कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक और पूछता है कि जो झूम की खेती होती है ये कहाँ हो जाती है, तो जो भी आपके ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है, ईस्ट वाले जो भी हैं, ठीक है, पूर्वी पूर्वी स्टेट हैं, जैसे आपका है जितने भी मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब जितने भी स्टेट हैं वहाँ की जाती है खेती स्पेशली। नेक्स्ट है आपके केचुए के बारे में, केचुए के बारे में जानते हैं क्या है। तो केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, आइए जानते हैं किसान का मित्र केचुए को क्यों कहा जाता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आया है सीटेट के कि केचुए को क्या कहा जाता है, मतलब ऐसे पूछा था कि किसान का मित्र किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में था आपका केचुआ और एक और होता है ऑप्शन में आपको सांप, स्नेक को भी हम क्या कहते हैं, स्नेक, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, केचुए और स्नेक को हम किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि दोनों हेल्प करते हैं उनकी। पहली बात आप जान जाइए कि केचुए कैसे उनकी हेल्प करते हैं, उसके बाद हम आपको स्नेक के बारे में बताएंगे, सांप के बारे में कि सांप कैसे करते हैं। तो
केचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पॉली हो जाती है। इन केचुओं की मल से जमीन उपजाऊ बनती है। क्या होते हैं केचुए जो होते हैं, पॉली मतलब कि मिट्टी को मतलब वो क्या करते हैं, फुलफुला सा बना देते हैं ना, फूला फूला सा बना देते हैं जिसमें ऑक्सीजन इजिली चला जाता है अंदर, ठीक है। और जो भी उनके मल वगैरह होता है उससे क्या होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। तो ये किसान को इससे हेल्प मिलता है, ठीक है। उनकी मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है। इसीलिए हम किसान को मतलब केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। अब जान जाइए जो स्नेक होता है सांप, सांप को भी कहते हैं, ठीक है। सांप, सांप को क्यों कहते हैं, सांप क्या करता है, खेत वगैरह जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं आपके, उसमें क्या करता है, जो भी आपके छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे कि आपके चूहे वगैरह, उनको खा जाता है। चूहे को क्या करता है, खा जाता है। और चूहे को खा जाता है तो उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी। चूहे क्या करते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं काट काट के, क्योंकि उनकी जो दांत होते हैं चूहे के हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो किसी न किसी चीज़ को कुतरते रहते हैं, तो वो खेतों को बर्बाद कर देते हैं। और जो उसमें सांप जो पाए जाते हैं खेतों में, उनको खा जाते हैं। इससे किसानों में क्या होती है, उनकी खेतों में हो रहे नुकसान क्या होते हैं, कम होते हैं। इसीलिए सांप और केचुए को आपको क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में इस बार दिया था कि सांप और केचुआ, ठीक है। तो दोनों को हम क्या कहते हैं, किसान के मित्र कहते हैं। तो ऑप्शन में दोनों आए, दोनों मारिएगा, ए और बी दिया होगा करके, और नहीं तो इंडिविजुअल आता है। मान लीजिए बस सांप दे तो सांप मारिएगा, और बस आपका केचुआ दे तो केचुआ मारिएगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सब एनसीईआरटी बेस है, तो आपको एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।